तो ठीक है गाइस, अभी मैं मुंबई में हूँ, पारसुआ कंप्यूटर्स में हूँ और यहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर और मदरबोर्ड के प्राइसेस। और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद में आपका ड्रीम बिल्ड हो जाए। तो अभी हम शॉप के ओनर से मिलते हैं और थोड़ा शॉप के बारे में जानते हैं और थोड़ा सर के बारे में जानते हैं। तो हेलो सर, हाय, कैसे हो? अरे सर बहुत बढ़िया सर, मतलब अपने बारे में थोड़ा स्टोर के बारे में बताइए। स्टोर हमारा मुंबई में थाना वेस्ट में स्टेशन के वॉकिंग डिस्टेंस जस्ट बाजू में 3 मिनट की दूरी पे और नियर बेस्ट लैंडमार्क नियर भारत सरकारी बैंक। तो अगर कोई आ रहा तो एड्रेस नहीं मिल रहा तो कॉल करके पूछ सकता है? हाँ, कॉल करके पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में नीचे लाइव लोकेशन का जो लोकेशन पूरा अपन डिस्क्रिप्शन दे देंगे तो लोकेशन अपना दुकान पे आ गई टच हो जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूंगा तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आप मेरे को ये बताइए कि मतलब आपकी स्टोर पे क्या क्या चीजें प्रोवाइड हो जाती है, मतलब क्या क्या चीजें मिल जाती है? अगर शॉप में आएंगे आप देखेंगे तो आपको पूरा बिल्टअप है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक, जनरल एक्सेसरीज, हेडफोन, कीबोर्ड, माउस, ए टू जेड एवरीथिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, सीसीटीवी सब मिल जाएगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो अगर हम प्राइस के बारे में थोड़ी बात करें, प्राइस कैसे रहते हैं आप? प्राइस हम लोग पूरा होलसेल में काम करते हैं, प्राइस तो एकदम चैलेंजिंग, आप ऑनलाइन कंपेयर करो, मार्केट कंपेयर करो, उससे भी अपना प्राइस लोएस्ट मिलेगा। पीसी बिल्ड वगैरह और लैपटॉप वगैरह मिल जाता है? पूरा मिल जाता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, सीसीटीवी, टोटली सॉल्यूशन है अपने पास। तो पीसी बिल्ड वगैरह भी होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं पहले मदरबोर्ड के बारे में, फिर प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे और वहाँ पे हमारे ग्राफिक कार्ड भी रखे हैं जो कि मतलब सभी है यार, 3050 VR 6500 HT के भी प्राइस हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे थोड़ी बात करते हैं मदरबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो मदरबोर्ड में आज आप इंटेल में मदरबोर्ड बताइए। इंटेल में बेसिक मदरबोर्ड अभी यही चल रहा है, 410 आएगा। तो ये इंटेल के लिए जो सपोर्टिंग बोर्ड है वो गीगाबाइट का 410, ये अपना i3 i5 i7 10th generation सबके लिए सपोर्टिंग बोर्ड है। ये 5200 का बोर्ड आएगा। इसका सपोर्टिंग अगर प्रोसेसर देखने जाएंगे तो अपना i3 10th generation प्रोसेसर हो गया, तो ये 6500 का प्रोसेसर हो गया। i5 10th generation लिया तो 11000 का प्रोसेसर हो गया। ये बेसिक कॉम्बिनेशन एकदम रनिंग, थोड़ा एडवांस में जाएंगे तो i5 11th generation है। ये i5 11th generation इसके क्या प्राइस होगी? ये 12900 का प्रोसेसर है। ठीक है, तो अभी हम AMD राइजन के प्रोसेसर के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पे राइजन 3 के बारे में बताइए थोड़ा। राइजन 3 तो अभी आपको भी पता है मार्केट में बहुत शॉर्टेज चल रहा है, तो अभी जाना पड़ता है हम लोग राइजन 5 के साथ डायरेक्टली। तो राइजन 5 है, ये देखिए प्रोसेसर राइजन 5, ये 12300 का प्रोसेसर। वैसे राइजन 3 में मिल जाएगा ना आपके पास में अगर कोई कॉल करता है या डिमांड करता है? हाँ, डिमांड करेंगे तो हम लोग अरेंज कर देते हैं, शॉर्टेज पड़ जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाता है बट अरेंज 100% हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट के बारे में अपना बात करते हैं। नेक्स्ट अपना राइजन 5 है 3600, ये 17000 का प्रोसेसर है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, राइजन 5 6500X। तो इसके क्या प्राइस चल रहे हैं? ये जो प्रोसेसर है राइजन 5 6, ये आज एक ही बिल्ड किया, तो इसके अंदर प्रोसेसर नहीं, आज ही असेंबल कर दिया मशीन। ये प्रोसेसर का प्राइस है 23000। वैसे मिल तो जाएगा ना? अरे एनी टाइम मिल जाता है। ठीक है, कभी मतलब देखने के बाद में भी ये बोलने की खाली नहीं, आप वीडियो दिखा रहे बोलेगा खाली बॉक्स देगा, अनबॉक्सिंग नहीं, आज ही असेंबल कर। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, राइजन 700G। ठीक है, तो इसके बारे में बताइए, इसका जो प्राइस चालू है मार्केट के हिसाब से 28000। ठीक है, तो अभी हम AMD A सीरीज के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये रह गया था, तो इसके बारे में बताइए। AMD का बेसिक प्रोसेसर हो गया, इसका जो प्राइसिंग है ये 3500 का प्रोसेसर आता है। इसके साथ में कॉम्बिनेशन बोर्ड लिया 320 बोर्ड, तो 4500 का बोर्ड हो गया। इसके ऊपर अगर आप नेक्स्ट जाएंगे थोड़ा हायर में तो राइजन 5 हो गया 3500। इसके क्या प्राइस चल रहे? इसका प्राइस चल रहा है 12600 राइजन 5। अगर कोई पीसी बिल्ड कराता है तब तो कम हो जाएगा, अगर बिल्डअप कराते हैं तो उससे थोड़ा प्राइसिंग कम हो जाती है। अगर नेक्स्ट देखेंगे थोड़ा हायर में राइजन 5 है 3600, ये 17000 का प्रोसेसर आएगा। और थोड़ा हायर में जाएंगे तो एकदम हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है 5600G, इसको ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोर्ड पे डिस्प्ले आ जाता है, ये 23000 का है। और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो राइजन 5 है 5600X, इसकी और इसकी प्राइसिंग सेम है बट इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं लगेगा, इसमें ग्राफिक कार्ड डालना, ये भी 23000 का सीपीयू है। और है राइजन 7 5700G, ये है अपना 28500 का प्रोसेसर, इसमें भी ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डिस्प्ले देगा। ठीक है, तो हमने बात किया मदरबोर्ड और प्रोसेसर के बारे में, तो अभी हम आते हैं ग्राफिक कार्ड पे। तो ग्राफिक कार्ड के प्राइस को जानते हैं, तो ग्राफिक कार्ड के प्राइस के बारे में थोड़ा बताइए। ग्राफिक कार्ड को आप देख रहे हैं पूरा लगेला हुआ है, जो बेसिक रेंज कार्ड होती है 2GB 6GB 16GB कार्ड है, जबरन इसका बेसिक कार्ड है 2GB का, ये 3000 रुपए का है। वैसे ब्रांड कौन कौन सी आपके पास में? ब्रांड अपने पास गीगाबाइट, आसूस है, जोटेक है, कलरफुल है, इनोथ्रीडी है, जो रनिंग जो मार्केट में चल रही है सब ब्रांड अपने पास मिल जाती है। ठीक है, मतलब जो भी चाहिए आपको मिल जाएगी 100%। अगर हम यहाँ पे 710 और 730 के बारे में बात करें तो उसके क्या प्राइस? 710 में अगर 2GB का कार्ड देखेंगे तो अपना गीगाबाइट का कार्ड आता है, ये 4400 का कार्ड है। और इसमें अगर 730 लेंगे 2GB तो आसूस का कार्ड आएगा, वो 4500 का। बेसिक मिडिल रेंज में देखने जाएंगे तो अपना 1050 Ti हो गया, 18000 का वेरिएंट हो गया। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 1650 आ गया, 21000 का कार्ड हो गया, 1660 है। और मीडियम रेंज में 1660 Ti हो गया। और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट 3050 है, 1660 है, उसके क्या प्राइस चल रहे? 1660 में अपना एक ये आ जाएगा 1660 Ti एडिशन है, गीगाबाइट का 12 है, ये 46000 का कार्ड आएगा। इसके ऊपर जो देखने जाएंगे तो 3050 है, 3060 है, और 3050 आप देख रहे हैं एकदम हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, एकदम फर्स्ट क्लास। 3050 जो कार्ड है 34000 का कार्ड है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं
3060 के बारे में, तो उसके क्या प्राइस चल रहे हैं? 3060 में देखिए, आप देख रहे हो गीगाबाइट का कार्ड है ये वाला, और लोग एडिशन आते हैं, इसकी कॉस्टिंग हो जाती है 57,000। क्या अगर इसमें टीआई की बात करें, टीआई करेंगे तो 85,000 या 82,000 के रेंज में टीआई आ जाएगा। और भाई आप बोल रहे हो कि मतलब 3050 को भूल गए? नहीं भाई, अभी नहीं भूला, अभी बात करते हैं उसके बारे में। 3050 है भाई ऑलरेडी बोला। इसके क्या प्राइस चल रहे हैं? 3050 का प्राइस जो अगर आप मार्केट देख रहे हैं, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, इसकी कार्ड की जो कॉस्ट है वो 34,000। और यहाँ पे अगर हम बात करें 3070 और 3070 टीआई की, तो उसके क्या प्राइस चल रहे हैं? 3070 टीआई तो 3070 का जो कार्ड है वो अपना जो गीगाबाइट का कार्ड लेते हो तो 82,000 का है। अदर वेरियंट में जाएंगे कलरफुल वगैरह तो वो जाएगा आप लोग 78,000-77,000। और टीआई लेंगे तो टीआई ऑलमोस्ट पहुंच जाता है 1,00,000 के आगे। 3080 लेंगे तो गैलेक्सी का है वो जो कार्ड है वो जो ज्यादा 1,11,000 है। 3080 टीआई जाएंगे, अगर गैलेक्सी में जाएंगे तो 1,40,000-1,45,000 के रेंज में। और अगर MSI ले लिया उससे ट्राइव एडिशन तो ये 1,70,000 का कार्ड है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 3090 की, तो उसकी क्या प्राइस है? 3090 नियर अबाउट 2,00,000। और ब्रांड तो मतलब सभी मिल जाएगी, ब्रांड कलरफुल, जोटेक, MSI, गीगाबाइट, सब रनिंग प्रोडक्ट है वो तो मिलते ही है, सब ब्रांड मिल जाएगी सब। और अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर कोई मुंबई से बाहर रहता है तो डिलीवरी वगैरह हो जाएगी? ठीक है। और अभी हम आते हैं गाइस यहाँ पे AMD के कार्ड पे। AMD की अगर हम यहाँ पे बात करें 6600 और 6600 XT के बारे में, तो उसकी क्या प्राइस चल रही है? 6600 जो बेसिक कार्ड जो भी आ गया, 6.00 XT भी आ गया मार्केट में, तो वो भी 16,500-17,000 के रेंज कार्ड है, 4GB का कार्ड है। और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये फिर RX है, 6600, ये 48,000 का कार्ड है। XT और XT देंगे 6600 तो ये 51,000 का कार्ड है। ठीक है। और इसमें जो अपर वेरिएंट आते हैं जैसे 67 और 68 मिल जाएंगे? हाँ वो भी मिल जाती है, उसकी रेंज उससे थोड़ा सा हायर रेंज है, 42,000-45,000 के रेंज में आपका 6700 XT मिल जाएगा। और उससे ऊपर जगह 6800 गया तो 57,000-58,000 हो गया। तो बेसिक रनिंग कार्ड तो सब रेडी स्टॉक ही रहता ही है अपने पास, कोई इश्यू नहीं है उसका। तो गाइस हमने यहाँ पर सभी कवर किए, प्रोसेसर, मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड के प्राइस, और जो आपको चाहिए यहाँ पर सब चीजें मिल जाएगी। कैबिनेट भी रखी हुई है, पीछे हेडफोन भी है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, और वो काफी अच्छे प्राइस में। ठीक है। और तो यही था आज की वीडियो में, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो जो स्टोर का एड्रेस है, नंबर है, लोकेशन भी है, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।